नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे, वैसे उपचुनाव कल है बिहार में, तरारी में, रामगढ़ में, बेलागंज में और इमामगंज में, तो वोटिंग कल होगी, नतीजे 23 को आएंगे। लेकिन आज हम चर्चा करना चाहते हैं आरजेडी की और चर्चा विशेषकर लालू यादव की। देखिए, प्रत्येक पिता की हसरत होती है कि मेरा बेटा अच्छा करे। लालू यादव की भी हसरत है कि उनका बेटा युवराज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। 2015 से ही कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के क्रम में उन्होंने नीतीश कुमार से दोस्ती भी की, दोस्ती टूटी भी, लेकिन लालू यादव हिम्मत नहीं हारे। हम और आप सभी जानते हैं किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इसके बाद डॉक्टरों की बंदिश कितनी होती है, लेकिन इसकी परवाह लालू यादव नहीं करते। पिछले दिनों आपने देखा कि जब उन्हें कोडरमा जाना था झारखंड में चुनाव प्रचार करने, अपने प्यारे दुलारे सुभाष प्रसाद यादव के लिए, जिनके बारे में तमाम विवाद होते रहते हैं, जेल से बाहर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जब हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ नहीं किया तो बाई रोड पहुंच गए और फिर बेलागंज की लड़ाई में भी पहुंचे सुरेंद्र यादव के बेटे के लिए। तो माना यह जा रहा है कि लालू यादव ने 2025 के लिए नए तरीके से बिसात बिछानी शुरू की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए के वोट बैंक में, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में, कुशवाहा वोट बैंक में लालू यादव ने सेंधमारी करने की कोशिश की और बहुत हद तक सफलता भी मिली। अब एक नई चाल चली जा रही है। कल रामगढ़ में, जहां उपचुनाव कल है, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में नंबर वन की कुर्सी और नंबर टू की कुर्सी दोनों रिजर्व है। नंबर वन की कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए और नंबर टू की कुर्सी अति पिछड़ी जाति के लिए। कल वहां खुले मन से हुए नहीं बोले कि मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा, लेकिन हमें और आपको स्मरण रखना चाहिए कि मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि वे डिप्टी सीएम हैं जब इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। और इसके साथ ही हमें और आपको तेजस्वी यादव का वह वचन भी याद रखना होगा कि देखिए, मुकेश सहनी बड़े भाई हैं और उन्हें अच्छा मौका, बड़ा मौका प्रदान किया जाएगा। तो लालू यादव जिस तरीके की बिसात बिछा रहे हैं, अति पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं और यह एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि 36% अति पिछड़ों का मत, इस पर एकाधिकार नीतीश कुमार मानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अति पिछड़ी जाति से किसी नेता को आगे नहीं बढ़ाया गया और नंबर वन की कुर्सी एनडीए में ओबीसी के लिए रिजर्व है, अति पिछड़ी जाति के लिए रिजर्व नहीं है। और जब मौका मिला बीजेपी को भी, तो 2020 में हमने और आपने देखा कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन फिर जब दोबारा सरकार बनाने की बात आई तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बनाए गए। तो तेजस्वी यादव आगे लड़ ही रहे हैं, लालू यादव बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, नीतीश कुमार भी कहते हैं बड़े भाई हैं। तो क्या लालू यादव कुछ नया ताना बाना बुन रहे हैं जिसके कारण 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में सहूलियत हो सकती है? प्रशांत किशोर की चुनौती तो है ही, प्रशांत किशोर तो क्या क्या कहते हैं कि मैं लालू यादव को सबसे अच्छा पिता मानता हूं, और जब वह तंज के रूप में कहते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं कि अपने बेटे के बारे में तो सोचता है, बिहार के लोग अपने बेटों के बारे में नहीं सोचते हैं, बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन लालू यादव सोचते हैं। तो लालू यादव ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आपने देखा, हमने देखा कि किस तरीके से ओसामा शाह, मतलब शहाबुद्दीन फैमिली से नाराजगी दूर की गई। तो ये पूरा परिदृश्य जो है 2025 की तैयारी का परिदृश्य ही दिख रहा है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी जो उपचुनाव में लालू यादव सक्रिय हुए हैं,
ये भी 2025 की तैयारी के लिए है, सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, प्रशांत किशोर तो कह ही रहे हैं कि हम 2025 सेटल करना चाहते हैं 2024 में। लालू यादव और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि इससे जो संकेत मिले, इन उपचुनाव का जो संकेत हो, उससे 2025 में तेजस्वी यादव की दावेदारी मजबूत हो। नीतीश कुमार का दावा है, नीतीश कुमार की पार्टी का नारा है कि 2025 फिर से नीतीश, तो ये उन्होंने 25 और नीतीश का अनुप्रास बना रखा है। मनीष वर्मा घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूमे और उन्होंने कहा, ये नारा लगाया सब जगह। तो तीनों पार्टियां 2024 में, तीनों पार्टियां जो बड़ी ताकतें हैं, दो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करने वाली जो पुरानी पार्टियां हैं, पुराना गठबंधन है, और जो नए फोर्स के तौर पर उभरे हैं प्रशांत किशोर उनकी जनसुराज पार्टी, ये तीनों सेटल करना चाहते हैं। तीनों चाहते हैं कि 2025 के लिए जो संकेत निकलना है इस उपचुनाव से निकल जाए, तभी इसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। और झारखंड में जो लालू यादव की मेहनत है, वो सुभाष यादव के लिए गए वहां, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बार्गेनिंग की, एक समय तो लगा कि अलायंस ही टूट जाएगा, और अलायंस के बावजूद आरजेडी और के कैंडिडेट दो जगह लड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, जो अलायंस के बाहर है, वो अलायंस की जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा दो सीटों पर, वो लड़ाई भी 2025 के लिए है। बहुत जरूरी है लालू यादव और तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स के लिए कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक जीते, इंडिया ब्लॉक जीते, वहां सरकार बने, आरजेडी को सरकार में मौका मिले, तो उसका एक बड़ा महत्व होता है, बड़ा सिग्निफिकेंट होता है पॉलिटिक्स के लिए। लड़ाई बहुत कड़ी है झारखंड में, लड़ाई बहुत कड़ी है, लड़ाई बहुत कड़ी है, बहुत 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 नजदीकी लड़ाई है, अभी कोई इस तरह से नहीं कर सकते, ये तमाम जो ओपिनियन पोल्स आए हम लोग को उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, लड़ाई नजदीकी है, लेकिन सरकार बनने पर उसका संसाधनों के लिहाज से, एक साइकोलॉजिकल असर के लिहाज से, सब तरह से फायदा होता है बिहार में लालू यादव की पार्टी को। तो ये सारा कुल मिलाकर के सारी तैयारी, झारखंड के चुनाव में भी आरजेडी की जो मेहनत है, लालू यादव की मेहनत है, तेजस्वी की मेहनत है, चुनाव में जो मेहनत है, ये सब 2025 के लिए तैयारी की जा रही है। और 2025 के लिए दो तरह से तैयारी हो रही है, एक तो पॉलिटिकल तैयारी है जो अपना गठबंधन मजबूत करने की एक तैयारी है, और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज की तैयारी है कि अगर हम अभी जीतते हैं तो आरजेडी जिस पोजीशन में अभी है बाई इलेक्शंस में, उससे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना है कि हम अगर आरजेडी जीत जाती है दो सीटों पर, तो इसका मतलब कि उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, तीन जीत जाए तब तो फिर उन्हीं का गेम है। तो मनोवैज्ञानिक कोशिश है, नहीं कि उसकी कोशिश है, एक तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज की, और दूसरा राजनीतिक समीकरण बिठाने की। तो ये राजनीतिक समीकरण बिठाने का काम लालू यादव कर रहे हैं, उनसे बेहतर कोई कर भी नहीं सकता है, ये हम आप जानते हैं, जो हम लोगों ने देखा है उनकी पॉलिटिक्स को पिछले 30 साल 35 साल में, तो वो ये समीकरण बिठा सकते हैं, बहुत कायदे से ये समीकरण बिठा सकते हैं। देखिए ओसामा साहब को आप, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, और आपने बार बार कहा कि हिना साहब और ओसामा साहब के साथ जो आउटरीच किया, वो लालू यादव ने आउटरीच किया, लालू यादव ने अपने लोगों के थ्रू मैसेज कराया, बात की, उन लोगों की एंट्री कराई पार्टी के भीतर, उनका स्वागत किया। तेजस्वी यादव तो कहीं ना कहीं अपने ईगो की वजह से नहीं दूरी बनाए हुए थे, और उनके ईगो का क्या नुकसान है ये हम लोगों ने सिवान में देखा, पूर्णिया में देखा। तेजस्वी यादव अभी उस तरह से वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाते हैं, जो स्ट्रेटेजिक लचीलापन जो चाहिए होता है वो नहीं कर पाते हैं लालू यादव में। तो ये लालू यादव चाहे अपना MY समीकरण मजबूत करना हो, उसके लिए भी लालू यादव काम कर रहे हैं, और MY समीकरण में जो दूसरा जोड़ना है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। A to Z का नारा भले तेजस्वी यादव ने दिया है, लेकिन उसको जोड़ने का काम लालू यादव कर सकते हैं। जो लालू यादव बेलागंज में जहां यादवों में फिसलन थी, दोनों पिता पुत्र दोनों वहां पहुंचे और यादवों के बीच संदेशा दिया, अरे तुम ही टूट जाओगे तो बचेगा क्या, और इसका असर दिख रहा है। बिल्कुल, और ये देखिए लोकसभा चुनाव में इस तरह से नहीं मैसेज किया गया था, इतनी मेहनत नहीं की गई थी, क्योंकि पता था कि उसका असर 2025 के विधानसभा पर नहीं होगा, लेकिन इस उपचुनाव का, और उसमें भी बेलागंज जैसी विधानसभा सीट का असर पूरे चुनाव पर होगा 2025 में। अगर वहां यादव का समीकरण टूट जाता, वहां यादव का वोट अगर बट जाता, वहां मनोरमा देवी वोट ले जाती, तो हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि जिस ट्रेंड की चर्चा कर रहे थे, जो ट्रेंड 2024 के लोकसभा चुनाव में निकला कि अपनी जाति का जहां उम्मीदवार है वहां जातियां उसको वोट दे रही हैं, पार्टी का खूंटा नहीं देख रही है। अगर मनोरमा देवी उसको मजबूत दिखती और यादव उसकी तरफ चला जाता, फिर तो लालू यादव के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। जब यादव ही नहीं है तो मुसलमान क्यों रहे आपके साथ, या मल्लाह क्यों जुड़े, या जिस A to Z को जोड़ने की बात कर रहे हैं वो क्यों जुड़ेगा। तो इसकी वजह से बेलागंज में ज्यादा समस्या थी, भले प्रतिष्ठा वहां सुरेंद्र यादव की दाव पर लगी है, लेकिन लालू यादव तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए भी बेलागंज बहुत महत्वपूर्ण।
तो यादव एकजुट रहे, पहली कोशिश तो ये है, क्योंकि छत्रप बहुत हैं और हम लोगों ने देखा कि पार्टियां अगर यादव कैंडिडेट खड़ा करती हैं, वहां आरजेडी का कैंडिडेट नहीं है लेकिन जेडीयू का यादव होगा, बीजेपी का यादव होगा या प्रशांत किशोर का यादव होगा, तो यादव उसको वोट दे सकता है। तो ये स्थिति नहीं है, यादव एक पैर पर खड़ा रहे और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए वोट करे, इसके लिए यादव को एकजुट रखना है, उसमें मुसलमान जोड़ना है। खैर वो मुसलमान को अभी, पहले तो कोई थ्रेट नहीं था लेकिन अब तो एक बड़ा थ्रेट उस वोट बैंक को लेकर हो गया प्रशांत किशोर की वजह से, और वो कह रहे हैं कि हम वही मुसलमान लड़ाएंगे जहां आप मुसलमान नहीं लड़ाइएगा। तो ये तो कोई टकराव भी नहीं, कोई ये भी नहीं कह सकते, आप उनको ये भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप मुसलमान का वोट काट करके और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं। वो तो जब कह रहे हैं कि हम जहां आप मुसलमान नहीं दीजिएगा वहां मुसलमान देंगे, तो मुस्लिम के लिए भी थ्रेट हो गया, यादव के लिए भी थ्रेट हो गया, तो आप कहां से दूसरा वोट ले आएंगे? पहले तो MOI कंसोलिडेट करिए, उसके बाद MOI में जो MKY आपने किया, जो आपने मल्लाह निषाद जो जोड़ने की कोशिश की है, उसके लिए उसको पटाने की कोशिश करिए, जिसका आपने अभी जिक्र किया रामगढ़ में जो मुकेश सहनी का मामला आया। तो ये एक बार में देखिए, ये एक युद्ध की भी रणनीति होती है, हम सब लोग कहानी पढ़ते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप है तो सारा लोग ऐसे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़ा है वो कहानी जानते हैं कि वो जब वो भागे हुए थे, उनका किला छिन गया था, तो वो एक बूढ़ी महिला के घर खाना खाने गए और उस महिला ने रोटी रखा तो उन्होंने बीच में से ही रोटी तोड़ दी, तो हाथ जल गया उनका। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा कि अरे तुम भी शिवाजी की तरह कर रहे हो क्या, वो भी बीच में सीधे किले पर हमला करता है, साइड साइड से चीजें तोड़ो फिर उसके बाद किले पर हमला करना, शिवाजी को ये बात समझ में आई और उन्होंने फिर एक एक करके छोटे छोटे किले जीतने शुरू किए अफजल खान के और औरंगजेब के। तो ये युद्ध की रणनीति जो है ये राजनीति में भी चलती है, आप एक साथ कहिएगा कि हम 36% अति पिछड़ी जाति ले आएंगे तो नहीं होगा आपसे, लेकिन आप कहिएगा कि हम उसमें से अमुक जाति को ले आएंगे और उस अमुक जाति में जो जैसे आपने मल्लाह चुना है उसमें जो एक लीडर इमर्ज हो गया, देखिए मल्लाहों के नेता तो इमर्ज हो गए हम किस सहनी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, आइडेंटिफाई करते हैं अपने को और असेंबली के इलेक्शन बहुत ज्यादा करेंगे, भले लोकसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट्स को थोड़ा कम वोट मिला या राजभूषण निषाद को बीजेपी ने आगे किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो लोग वोट करेंगे, मल्लाह लोग निषाद केवट बिंद जितने हैं जितनी जातियां हैं वो, तो उसके नेता को आपने पकड़ लिया। तो इस नाते जिसको 9.5% 8.5% या 9% वोट जो बता रहे हैं मुकेश सहनी, उसका एक बड़ा हिस्सा आप जोड़ेंगे। तो इसी तरह एक दो और जातियां आइडेंटिफाई करनी है, जैसे मल्लाह आपने चुन लिया, एक दो और कोई छोटी जो अन्य अत्यंत पिछड़ी जाति है आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसको जोड़ेंगे। तो ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, ये एक बार में नहीं होगा और वो प्रोसेस समय रहते, अभी एक साल समय है, उस एक साल के समय से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है। और ये ऐसा नहीं है, मतलब तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने कह दिया मुकेश सहनी ने, उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हमको लगता है कि हो गई है, आप बेहतर बताएंगे, दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री होंगे मुकेश सहनी, एक अच्छा बड़ी भूमिका दी जाएगी, उनका राजनीतिक भूमिका अभी से तय कर दी गई है। तो इससे मोबिलाइजेशन जो हो रहा है, देखिए ये बिसात जो बिछ रही है बहुत बारीक बिसात है, और पता नहीं NDA के लोग अभी इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। आपने ठीक याद दिलाया कि आपने कहां अति पिछड़ा चेहरा सामने किया, चेहरा एक नेता थे, मान लीजिए कि रामनाथ ठाकुर हैं, उनके पिताजी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, तो आपने तो इसका यूज कर लिया ना लोकसभा चुनाव में, तो आगे क्या है उसके लिए? तो राजभूषण निषाद आपके चेहरा नहीं है, वो तो नहीं है, वो मल्लाहों के नेता नहीं है, मल्लाहों के नेता नहीं है, वो तो एक समीकरण के तहत जीत गया। मुजफ्फरपुर में इस तरह का समीकरण है कि बीजेपी से अगर निषाद लड़ेगा, दो बार से अजय निषाद जीत रहे थे, तो जो लड़ेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि वहां फॉरवर्ड का वोट भी है, वैश्य का वोट भी है, उसके साथ मल्लाह जुड़ता है तो आप जीत जाते हैं। तो समीकरण से जीता हुआ नेता, एक हारे हुए नेता, मुकेश सहनी हारे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका कद बड़ा है क्योंकि उनके साथ मास वोटर है, तो उसकी उसको काउंटर करने के लिए NDA की तरफ से भी कोई स्ट्रेटजी नहीं बन रही है। और दूसरे तरफ RJD की भी साथ बिछने लगी कि मुसलमान को नहीं जाने देना है, साथ में यादव को कंसोलिडेट करना है, उसमें मल्लाह जोड़ना है, और उसके अलावा तब A to Z की पॉलिटिक्स करनी है, जिसके लिए लालू यादव निकल गए। तो लालू यादव तो कर सकते हैं, लालू यादव को हम लोगों ने देखा जब ये A to Z की बात नहीं थी तब भी उनके यहाँ अखिलेश सिंह बैठते थे, तब भी उसके पहले वैद्यनाथ पांडे बैठते थे, गिरजा देवी होती थी उनके पास नेता, तब भी रघुनाथ झा होते थे, जगदानंद सिंह होते थे, ऐसा नहीं था, प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन जो अगड़ी जातियां हैं, मजबूत अगड़ी जातियां हैं, उनके नेताओं को उन्होंने अपने साथ रखा, तो और ये सब लोग मजबूत नेता थे। देखिए रघुनाथ झा कितने मजबूत नेता थे, ये हम आज की पीढ़ी के लोग हो सकते हैं नहीं जानते हो, लेकिन वो कितने मजबूत थे, गोपालगंज से लेके पूरे नॉर्थ बिहार में, गोपालगंज हो, शिवहर, सीतामढ़ी से लेके बेतिया और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सब में उनका असर था।
तो वो चाहे ब्राह्मण नेता हो, राजपूत नेता हो, प्रभुनाथ सिंह से लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह तक, सब उनके साथ थे। तो ये काम लालू यादव कर सकते हैं, और इस उनके पॉलिटिक्स पर नजर रखने की जरूरत है जेडीयू और बीजेपी दोनों को, और प्रशांत किशोर को भी नजर रखने की जरूरत है कि लालू यादव क्या पॉलिटिक्स करते हैं। और वो ये तो सही है ना अजीत जी, ये तो सही है ना कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में चाहे प्रतिशत जितना हो, छेद तो किया ना लालू यादव ने, और रणनीति उनकी सफल रही। देखिए औरंगाबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र में जहां कोई गैर राजपूत जीता ही नहीं था, वहां अभय कुशवाहा को जीत दिला दी। तो कुशवाहा राजनीति को वे आगे बढ़ा ही रहे, ठीक है। इसके बाद नीतीश कुमार भी सतर्क हुए, बीजेपी भी सतर्क हुई, और उपेंद्र कुशवाहा को हारने के बाद भी राज्यसभा में भेजा गया, भगवान सिंह कुशवाहा को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, उमेश कुशवाहा अध्यक्ष बने ही हुए। लेकिन बात वहीं जाकर अटक जाती है कि यदि लालू यादव, जिनके बारे में कहा भी जाता है कि देखिए लालू यादव का जब उदय हुआ तो वह गरीबों के नेता के रूप में उभरे, बाद में वह पिछड़ों के नेता बन गए, और फिर वह यादवों और मुसलमानों के नेता बने, उनका आधार वोट कम होता चला गया। तो लालू यादव फिर से वह कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, वह जीते जी चाहते हैं। जब मैं कोडरमा की तस्वीरें देख रहा था, बेलागंज की तस्वीरें देख रहा था, मेरी कोई बातचीत एक बड़े डॉक्टर से हुई, उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि देखिए किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और इन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, वे भीड़ में जा रहे हैं, वे लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, जबकि तमाम बंदिशें होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिद जिद है, संकल्प है, तो इसके लिए सब कुछ, मतलब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना ही देना है। नीतीश की सेहत का भी पता है, देखिए बीमार होकर भी लालू यादव हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो सड़क के रास्ते चल देते हैं। देखिए तो ये जुनून इसी से तो गाइड होता है, इसी से ड्राइव होते हैं लीडर, जो उनकी महत्वाकांक्षा होती है, जो सत्ता की चाह होती है, उससे ड्रीवन होते हैं लीडर, उसी से ड्राइव होते हैं, और वो फिर वो उनको खींच के ले जाता है कि जाना है, वो घर नहीं बैठ सकते हैं नेता। और लालू यादव की पॉलिटिक्स को हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने देखा है, अब तो आज बहुत लोग नहीं देखे होंगे लालू यादव का, तो कि अच्छे दिन 2009 में हमको लगता है खत्म हो गए, 15 साल से तो लोगों ने देखा नहीं उनको बहुत अच्छे से राजनीति करते हुए। लेकिन अभी जिस उम्र में है वो 76-77 साल उनकी उम्र है, 78 साल के करीब, और किडनी ट्रांसप्लांट है और भी कई बीमारियां हैं उनको, तो वो जान रहे हैं कि आखिरी पारी है राजनीति की, तो आखिरी पारी है, अपने खुद तो नहीं लड़ सकते हैं। और एक एक पुराना मुहावरा है स्वान सॉन्ग का, जो स्वान होता है, जो हंस होता है, वो अपने आखिरी समय में सबसे मधुर गाता है, उसको स्वान सॉन्ग बोलते हैं। तो स्वान सॉन्ग जो है वो सुनना है बिहार के लोगों को लालू यादव से, वो जो सबसे मधुर संगीत निकलेगा उनकी आखिरी पारी में, उनके अपने राजनीति के आखिरी एकदम फैग एंड में, एकदम आखिरी छोर पर जब वो खड़े हैं, और वो सबसे बेहतर करना चाहेंगे, सबसे बेहतर करना चाहेंगे वो, उनके लिए उसके लिए अपनी सेहत को जानते हैं कि अगर हम बहुत प्रिकॉशन लेंगे तब भी बहुत दिन नहीं रहना है, मतलब बहुत दिन। खबर ये है, खबर ये है कि जब वो सुबह सुबह निकले हेलीकॉप्टर से कोडरमा जाने के लिए, तो राबड़ी देवी तैयार नहीं थी, और हेलीकॉप्टर उड़े इसका इंतजार करते रहे, फिर जब सड़क मार्ग से जाने का उन्होंने फैसला किया तो राबड़ी देवी विरोध कर रही थी, लेकिन लालू यादव ने कहा नहीं चुप रहिए हम जाएंगे। और कोडरमा में जब वह भाषण कर रहे थे, अधिक देर बोल रहे थे, तो उनके हनुमान भोला यादव उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, भोला यादव को भी हरक दिया लालू यादव ने, चुप रहिए। तो लालू यादव उसी टेबल में, और मुकेश सहनी को देखिए, ओसामा साहब की वापसी, मतलब आप कह सकते हैं कौन सा विटामिन मिला है, इसकी बात तो आगे की जाएगी और इसका प्रभाव देखा जाएगा कि बेलागंज में मुसलमान मत मिला कितना, कितना विभाजित हुआ, लेकिन शहाबुद्दीन फैमिली से जो दूरी बढ़ गई थी उसे करीब ला, और अब सुन रहे हैं कि ऑपरेशन नवादा में भी लगे हैं कि राजवल्लभ यादव से जो दूरी बढ़ी हुई है उसे भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जितने छत्र जितने तोप हमने पैदा किए थे, इधर गए हैं उधर गए, सबको इकट्ठा करो और फिर लड़ो, तभी तेजस्वी बनेगा मुख्यमंत्री। इसी के लिए देखिए कोडरमा, आपने कहा ना कोडरमा को हम जब देखे लालू यादव को, हमको ध्यान आया कि ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है या सिर्फ सुभाष यादव का मामला नहीं है, वहां की लीगेसी रिक्लेम करना चाहते हैं लालू यादव। लालू यादव की लीगेसी थी वहां, और अन्नपूर्णा देवी वहां से विधायक होती थी, उनको उनके हस्बैंड होते थे, ठीक बात है, अमेश यादव संभवतः नाम था उनका, तो वो होते थे, अन्नपूर्णा देवी हुई,
जब मैं 2008-09 में जब सरकार कांग्रेस की थी, अन्नपूर्णा देवी उस समय आरजेडी विधायक दल की नेता होती थी, मतलब उनका बड़ा कद था। गिरिनाथ सिंह के बाद वही हुई, उस समय तो वो मंत्री थी, उसके बाद वो विधायक दल की नेता हुई। इतना महत्व दिया था आरजेडी ने उनको, और आज उस इलाके में लालू यादव की लीगेसी को खत्म करके जो यादव पॉलिटिक्स है उसको अन्नपूर्णा देवी लीड कर रही है, बीजेपी के फेवर में लीड कर रही है। वो खुद कोडरमा से एमपी हैं और कोडरमा विधानसभा से नीरा यादव एमएलए हैं, और वहां बरकट्ठा सीट और एक दो और सीटें, जिस तरह से वहां यादव जो बहुत सीटें हैं बरही में बरकट्ठा में कोडरमा में, ये सब सीटें हैं, एक बेल्ट है पूरा यादव बहुमत वाला। वहां लालू यादव को ये प्रूव करना है कि हमारा असर है, हमारा वर्चस्व है, अगर वो जीता लेते हैं तो इसका बड़ा इंपैक्ट होगा पूरे ओवरऑल बिहार के यादव मतदाताओं पर भी। और इसी क्रम में आप देखिए, ये जो फियास्को हुआ नवादा का, अगर नवादा में जिस तरह से उन्होंने सुरेंद्र यादव पर रिस्क लिया जहानाबाद लड़ा करके, सुरेंद्र यादव पर जैसे भरोसा किया, उस तरह से अगर राजबल्लभ यादव पर भरोसा किए होते, क्या पता जिस तरह की स्थितियां थी पिछले लोकसभा चुनाव में, क्या हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो वो उस गलती को वो ठीक करना चाह रहे हैं, उस गलती को वो ठीक करना चाह रहे हैं। और हम लोगों ने देखा ज्ञानेश्वर जी कि कुशवाहा का जो वोट का जो प्रयोग किया था आरजेडी ने, कितनी सीटों पर कितना नजदीकी मुकाबला हो गया था। जो सीटें पिछले चुनाव में 2019 में बीजेपी 4-4 लाख 3-3 लाख वोट से जीती थी, वहां 80,000 88,000 1 लाख 50,000 इस तरह से वोट से जीती है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चैलेंज उन्होंने थ्रेट खड़ा किया, एक जो चुनौती खड़ी की जेडीयू बीजेपी के लिए कि हम तुम्हारे कोर वोट में, लॉकुस का तो सबसे कोर वोट है, क्योंकि लॉकुस के लीडर ही लीड कर रहे थे लोकसभा चुनाव को, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ही तो लीड कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कुशवाहा कैंडिडेट खड़े करके और वोट हासिल किए 5 सीटों पर हुआ। बाकी सीटों पर अपना सम्राट चौधरी का भी असर काम कर गया, उनका मैनेजमेंट भी काम कर गया, आखिरी समय जो मेहनत किया हम लोगों ने देखा, उधर सीटें थी सीमांचल पूर्वांचल की तरफ। तो ये एक ट्रिक पकड़ में आ गई है, एक फॉर्मूला लालू यादव को मिल गया है, और लोगों के नेचर को, लोगों के स्वभाव को उन्होंने समझ लिया है कि लोगों का मतदान व्यवहार अपनी जाति के उम्मीदवार से प्रभावित होता है। तो जाति का उम्मीदवार, देखिए कोई भी पार्टी, जैसे बिहार की 40 सीटें हैं, तो ऐसा नहीं है कि जेडीयू 40 सीट लड़ने में सक्षम है या बीजेपी 40 सीट लड़ने में सक्षम है, कोई सक्षम नहीं है 40 सीटों के लिए। हर पार्टी का 10 सीट 20 सीट पर आधार है, लोकसभा में, विधानसभा में 50 सीट 60 सीट पर आधार है, जो मजबूती से लड़ते हैं, बाकी समीकरण के आधार पर लड़ते हैं, और बाकी सीटें आप जबरदस्ती करके लेते हैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, आपको पता होता है कि आप हार जाएंगे। तो लालू यादव को भी पता है कि अगर हम 150 सीट लड़ते हैं तो उसमें 100 सीट है जहां मजबूती से लड़ेंगे, 50 सीट तो ऐसी है जो हमको लेनी है, हम हार जाएंगे। तो वैसी सीटों पर अगर उन्होंने खड़ा करना शुरू कर दिया समीकरण के उम्मीदवार को, कुशवाहा उम्मीदवार को, उर्मी उम्मीदवार को, फॉरवर्ड उम्मीदवार को, अति पिछड़ा का महिला को, हाँ, तो उसका तो बड़ा असर हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक मंत्र जो उन्होंने पकड़ा है। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता से कल हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए इमामगंज के चुनाव परिणाम पर ध्यान रखिएगा, यदि एनडीए के लिहाज से गड़बड़ सरबर हुआ तो फिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में जो जंग दिखाई पड़ेगी ना, वह सचमुच देखने लायक होगी, क्योंकि चिराग पासवान नहीं गए तो नहीं ये गए, और नहीं जाना यह क्या संदेश दे गया, और वहां जाना कितना आवश्यक था, क्योंकि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान है, और अभी इस वक्त में जीतन राम मांझी को चिराग पासवान की जरूरत थी, और चिराग पासवान भी कह रहे थे कि मतभेद वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और जब हम एनडीए में हैं तो एक दूसरे की जीत की कामना करते, लेकिन गए तो नहीं ना। तो आरजेडी वाले देख रहे हैं कि देखिए यदि इमामगंज कहीं गड़बड़ सरबर हुआ तो फिर तो सिर्फ फुटवल की स्थिति होनी है दलित पॉलिटिक्स में भी। देखिए वो निश्चित रूप से होगी, उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप देखिए तो बीजेपी ने तो एक तरह से चुन लिया है कि वो महादलित के साथ है। नीतीश कुमार ने चुन लिया था, नीतीश कुमार ने दलित और महादलित कर दिया था, और दलित छोड़ दिया था एक तरह से, उन्होंने पासवान को ही उसमें रखा था और छोड़ दिया था कि ये वोट हमको नहीं चाहिए, महादलित चाहिए है। तो ये एक डिवीजन पहले से था, अब उसमें वर्गीकरण का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का फैसला लागू करना शुरू करके बीजेपी ने अपना पक्ष चुन लिया है कि हम जो महादलित हैं या अपेक्षाकृत कमजोर दलित वंचित ज्यादा हैं, हम उनके साथ हैं। तो ये तो और परीक्षा की चीज हो जाएगी, चूंकि बाकी जो दूसरा वोट है उस पर फिर अटेम्प्ट करेंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव उस वोट को अपनी तरफ करने के लिए, अगर उनको एनडीए में जगह नहीं है तो उस वोट को करने की कोशिश करेंगे। और चिराग पासवान को तो देखिए 4 सीटों पर चुनाव है और एक ही उसमें सुरक्षित सीट है,
तो सुरक्षित सीट पर तो आपको जाना ही चाहिए था, क्योंकि आप उस पॉलिटिक्स के को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहते हैं कि आप दलित पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, और आप गए नहीं वहां प्रचार करने। तो ये और एक इसका एक जो मैसेज है जो आपने कहा जितेंद्र पासवान वाली बात है, अगर वोट नहीं मिलता है तो फिर इसका बड़ा असर होगा आगे की पॉलिटिक्स पर। और हम लोग देख रहे थे पहले से, पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि बसपा का जो वोट है वो वोट आरजेडी की तरफ रुझान दिखा रहा है। तो अगर बसपा का वोट आरजेडी की तरफ रुझान दिखा रहा है, जहां बसपा कैंडिडेट नहीं देगी वहां वो अगर आरजेडी को जाता है, और पासवान का वोट भी अगर एनडीए की तरफ नहीं जाता है, तब तो ये 20% दलित वोट में बंटवारा होगा पूरी तरह से। सत्यनारायण प्रसाद की तरफ बट गया, तीन तरफ वोट बट जाएगा। तो ये तो बड़ा स्ट्रेंथ है जेडीयू बीजेपी का। तो लालू यादव की नजर उस स्ट्रेंथ पर भी होगी। उन्होंने, हम लोगों ने देखा जिस तरह के कैंडिडेट चुने थे उन्होंने, जमुई में जिस तरह का उम्मीदवार उतारा था लोकसभा चुनाव में, उस पॉलिटिक्स पर भी नजर रखने की जरूरत है लालू यादव की, उस पॉलिटिक्स पर भी। दलित पॉलिटिक्स को भी वो छोड़ेंगे, क्योंकि 20% का वोट है तो कोई भी कैसे छोड़ सकता है, 20% वोट है। और जो जिस इंडिया ब्लॉक में वो आते हैं, उस इंडिया ब्लॉक ने तो एक नया स्वाद लग गया है कि सामान्य सीट पर दलित खड़ा करो। उस समय भी उन्होंने खड़ा किया था अररिया में, हम लोगों ने देखा किस तरह से उन्होंने सुपौल में उन्होंने सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार, और उसी तरह से लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि कैसे अवधेश प्रसाद जीत गए फैजाबाद की सीट पर। और अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी ट्रॉफी की तरह पेश कर रहे हैं कि इन्होंने अयोध्या हरा दिया बीजेपी को। तो सामान्य सीट अभी यूपी में 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है, उसमें गाजियाबाद जैसी सीट पर दलित उम्मीदवार लड़ाया है समाजवादी पार्टी ने। गाजियाबाद जो शहरी मेट्रोपॉलिटन की सीट है वहां दलित उम्मीदवार लड़ाया है, वो भी जाटो समाज का। तो इंडिया ब्लॉक ऑलरेडी उस पॉलिटिक्स में है कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, और दलित को टारगेट करना है इस वोट को। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो लालू यादव की उस पॉलिटिक्स में भी अच्छा मतलब आरजेडी की पैठ उस वोट में भी बढ़ेगी। तो अपना MOI समीकरण अगर वो बचा लेते हैं, मल्लाह उसमें जोड़ लेते हैं वो, और कुशवाहा के जरिए जो दाव उन्होंने लोकसभा में खेला, और भूमिहार के जरिए भी, हम लोग खाली बार बार कुशवाहा करते हैं लेकिन भूमिहार को भी तो उन्होंने टिकट दिया था। इंडिया ब्लॉक ने 4 टिकट दी थी और चारों जगह भूमिहारों ने वोट किया। महाराजगंज में भूमिहारों ने वोट किया, अधिकतम ने वोट किया, वैशाली में किया, भागलपुर में किया, तो वोट तो किया भूमिहारों ने भी। और जहां आप देखिए मदन मोहन तिवारी को ब्राह्मणों ने वोट किया पश्चिमी चंपारण में, बिल्कुल वैश्यों ने वोट किया। और नोटिस करने की है कि देखिए लालू यादव तो अपने मोर्चे पर लगे हैं, बिसात बिछा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वह रोका जिसके कारण तेजस्वी यादव की सभाओं के बाद एक मैसेज चला जाता था कि यहां तो सिर्फ हुरदंग करने वाले हैं। तो उपचुनाव में आप तेजस्वी यादव की सभाओं में देखेंगे कि उस तरीके से कोई उपद्रव या गमछा लहराना या लहरिया कट, और तेजस्वी यादव भी उधर ही जाकर, जो आप कह रहे थे मुकेश सहनी से उनकी बातचीत हो गई होगी, कैसे नहीं बातचीत हुई होगी, लगातार दोनों जहां जा रहे हैं वहीं रात को रुकते हैं, वहीं खाना पीना, मतलब पीने का मतलब कोई दूसरा नहीं है, तो बर्थडे पार्टी भी साथ में हो रही है, तो बातें तो स्पष्ट हो गई। तो तेजस्वी यादव ने इसे भी रोका कि लहरिया कट और तांडव वाला, तांडव करना बंद करो, तब संदेशा जाएगा। तो देखिए एनडीए के लिए चुनौती की बात होगी, क्योंकि अति पिछड़ी जमात से किसी नेता को नंबर 2 और नंबर 3 बनाने की स्थिति में न बीजेपी पहुंच पाई है और न जेडीयू पहुंच पाया है। ये करना होगा। अभी लोकसभा अगला जो विधानसभा चुनाव होगा, उस चुनाव के पहले ये सब चीजें प्रतीकात्मक होती हैं ज्ञानेश्वर जी, और उस चुनाव के पहले एक बार अत्यंत पिछड़ा चेहरा आगे करना होगा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को भी। हालांकि ये ठीक है कि उसने राजभूषण चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाया है और उन्होंने भी बनाया है, अपना नेता भी बनाया, ये सब ये चीजें दोनों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा मुखर होकर के दिखाने वाला जो काउंटर कर सके मुकेश सहनी को, सबसे पहला तो एक तो मुकेश सहनी को काउंटर करने वाला चेहरा उन लोगों को ले आना होगा, और समय से पहले ले आना होगा। अभी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की, वो अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड पर उनके वर्कर्स के बीच में भी बनने लगी होगी, उसके लिए उसमें समय लगता है। देखिए नेता तो तुरंत मिल जाते हैं ऊपर, पटना दिल्ली में नेता को मिल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका वर्कर मिले कि नहीं, जब वर्कर सीमेंटेड होते हैं नीचे उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनता है तो उसका चुनावी लाभ मिलता है। तो जितनी जल्दी जितना पहले तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, वो अंडरस्टैंडिंग नीचे भी बन रही होगी, ये तो वो कर रहे हैं लोग।
और तेजस्वी यादव ने ये समझ लिया है कि जितना डिसिप्लिन्ड लीडर से मुकाबला है तो हुड़दंग करके उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, न नीतीश कुमार को चैलेंज कर सकते हैं और न प्रशांत किशोर को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार और बड़ी शालीनता विनम्रता की राजनीति करने वाले लोग हैं। देखिए सार्वजनिक जो पब्लिक डिस्कोर्स में तेजस्वी यादव की विनम्रता पर कोई सवाल नहीं, वो भी बहुत विनम्रता से लोगों से बात करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उनके जो भीड़ जुटती थी, उनके जो वर्कर्स जुटते थे, उनके उनकी सभाओं में जिन छत्रकों को जिम्मा दिया जाता था लोगों को ले आने के लिए, तो वो हम तो 35 साल से 1990 से पटना में देखते थे कि मुख्यमंत्रियों के बंगले में नाच हो रहा है, तो लौंडा नाच हो रहा है, हो रहा है लोग हुड़दंग कर रहे हैं, तो उसी से इमेज बनी है। आज भी जो ग्राउंड लेवल पर एक है, लोग भूले नहीं है, लालू यादव की बात आती है तो लोग उस समय की बातें याद कराने लगते हैं, बुजुर्ग लोग, लाठी रैली, तेल पिलावन रैली, ये सब चीजें तो याद ही है, वही उस तरह की रैलियां होती थी, लाठी भाजन रैली या तेल पिलावन रैली, तो उसमें तो उस तरह की बातों को से छुटकारा पाना होगा। हालांकि वो बैगेज है, हिस्ट्री तो इतिहास तो कभी मिटता नहीं है, बदलता नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी से बीजेपी नेहरू जी के जमाने की बातों की के जवाब मांग रही है, लेकिन उसको अगर बदलते हैं तेजस्वी यादव अपनी विनम्रता से, अपना एक डिसिप्लिन पॉलिटिक्स करके, वो दिखाया है उन्होंने कि डिसिप्लिन पॉलिटिक्स भी वो कर रहे हैं, और लोगों को साथ जोड़ने की जो बात है, जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, चाहे मनोज झा हो या अमरिंदर धारी सिंह हो, लोग उन्होंने भी आगे किए हैं चेहरे, ऐसा नहीं है, उनके पास भी वो ए टू जेड की पॉलिटिक्स के कुछ चेहरे ले आए हैं, लेकिन वो उसको सीमेंट कराना होगा ग्राउंड लेवल पर। अभी से जिस तरह से उन्होंने मुकेश सहनी के साथ एक जोड़ा है, तो एक आध कोई और कास्ट जोड़ना होगा, 2%, 3%, 4% का एक और कोई कास्ट अत्यंत पिछड़ा का जोड़ना होगा, दलित का भी जोड़ना होगा, और ये मैसेज बनाना होगा ग्राउंड पर, क्या जमीन पर जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे बिहार का हो या किसी भी राज्य का हो, वो जातियों के बीच में जो हायरार्की बनी हुई है, जो पदानुक्रम है जातियों का, कि ये मजबूत जाति है, ये कमजोर जाति, तो कमजोर जातियां डरे नहीं, उनके मन में डर हो जाता है, जब भी लालू यादव की बात आती है, यादव की बात आती है, तो उसके मन में डर हो जाता है, और फिर वो एक ज्यादा जो नीतीश कुमार की तरफ देखने लगता है, फिर तो ये डर नहीं हो, इसके लिए समय से पहले प्रयास करना होगा, अभी जो प्रयास कर रहे हैं समय से पहले ग्राउंड लेवल पर सीमेंट करने का, जातियों के बीच सद्भाव बनाने का, जो यादवों के साथ सद्भाव बनाने का, पटना में जिस तरह का सद्भाव है, वैसा सद्भाव क्षेत्र में भी हो, जो आपका लोकल यादव नेता है जिला स्तर, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर का, उसका दूसरी जातियों के साथ, ये करना होगा। और इसका कुछ मैसेज जो हम कल भी खत्म किए थे इसी बात पर ज्ञानेश्वर जी, इलेक्शन से इसका मैसेज निकलेगा, मतदाता क्या मैसेज देते हैं, बहुत साफ मैसेज होगा इस चुनाव में, उसी के आधार पर सभी पार्टियों को आगे की राजनीति करनी होगी, इस बाई इलेक्शन का जो मैसेज होगा उसके आधार पर। चलिए, तो इसी आधार पर आगे की राजनीति करनी होगी, और तेजस्वी यादव ने समय से पहले प्रयास लालू यादव की छांव में प्रारंभ कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा कि 2025 होगा किसका, बिहार जीतेगा कौन, तो यह बात और यह चर्चा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।